कंग दे रंग शानदार बारिश का मौसम और इस मौसम में हमें जसदी रसोई में से गर्मा गर्म पकौड़े खाने को मिलेंगे ये हम उम्मीद करते हैं। और जिस गति से पंबीरी घूम रही है पंबीरी का कहना है कि पकौड़ों के साथ गर्मा गर्म चाय भी मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी। कुम पंबीरी कुम जोर जोर से कुम। हेलो फ्रेंड्स, जसदी रसोई में आपका स्वागत है। आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत पसंद किया, अप्रिशिएट किया, थैंक्स सबका। और जसप्रीत जी, आज आप क्या बना रहे हैं? आज आपकी फरमाइश थी, बारिश का मौसम हो रहा है तो मैं आज आपके लिए पकौड़े बना रही हूँ झटपट रेसिपी के साथ। तो पकौड़ों के लिए मैं बैटर तैयार कर रही हूँ, आइए देखते हैं बैटर कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों, देखा आपने, साढ़े घर च मेरी भी चलती है। मैं हुक्म दिता, नहीं, मैं रिक्वेस्ट की थी, तो मेरे वास्ते पकौड़े बन रहे ने। पकौड़े बनाने के लिए ये मेरे पास है बेसन और ये राइस फ्लावर है और जो घर में पड़ा हुआ सब्जियाँ, प्याज, एक बड़ा प्याज काट के रखा हुआ छोटा छोटा, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, ये हरा धनिया, हरा पुदीना और दो हरी मिर्च काटी हुई है। मैंने पहले आधी कटोरी बेसन लिया है और दो बड़े चम्मच, ये वाले चम्मच मैंने राइस फ्लावर लिया है। अगर कम होगा तो हम और डाल सकते हैं। राइस फ्लावर में चावलों का आटा? ये हाँ जी। तो ये है मेरे पास प्याज, आगे कीजिए, कटा हुआ छोटा छोटा कटा हुआ प्याज, यह है थोड़ा सा अदरक छोटा छोटा बारीक कटा हुआ, यह है थोड़ा सा लहसुन, मैं लहसुन डालती हूँ, आप अगर नहीं डालते तो स्किप कर सकते हो। ये है दो हरी मिर्च कटी हुई और ये है हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा कटा हुआ। धनिया भी हरा और ट्रे भी हरी? हाँ जी। ट्रे हरी जरूरी तो नहीं? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेरे पास आलू भी पड़े हुए थे, सब मैश आलू भी, मैं बॉयल आलू है ये, मैश करके मैं आलू भी डाल रही हूँ। इसके साथ बहुत सॉफ्ट बनते हैं पकौड़े, तो मैं मैश करके डाल रही हूँ। आपने अगर छोटा छोटा काट के डालना है तो काट के भी डाल सकते हो आप। दोनों में से बेटर कौन सा रहता है, मैश किया हुआ या काटा हुआ? दोनों तरीके से ठीक लगता है। कितने सामान में कितने आलू डालते हैं? मेरा तो अंदाजा ही चलता है, सीनियर सिटीजन वाला। सानू तो पकौड़े खान नाल मतलब है। तो अभी हम और मसाले डालेंगे, ये थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी भी डाली हुई है। हाँ जी, तो इसलिए थोड़ी डाल रही हूँ। तो ये है काली कुटी मिर्च पिसी हुई, हाँ जी, पिसी हुई भी कह सकते हैं, कुटी हुई भी कह सकते हैं। और ये है नमक स्वाद अनुसार। ज़्यादा लग रहा है? नहीं, ज़्यादा नहीं है, चम्मच छोटा। अभी बेसन और डलेगा इसमें। और ये है अजवाइन, मक्खी भी तंग कर रही है। देखो पकौड़े बनेंगे तो सब आएंगे। पहले हम एक बार मिक्स कर लेते हैं, फिर पानी डाल के इसका बैटर तैयार करेंगे। तो अब पानी डालकर हम बैटर तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो। जग बहुत सुंदर है आपका, कोई जवाब नहीं दिया। इसको कहते हैं सारा ध्यान केंद्रित करना अपने काम पर। हालांकि हमें सीनियर सिटीजन को फ्राई चीज़ें कम खानी चाहिए, पर मौसम अच्छा है तो हम थोड़ा सा खाएंगे यार। और उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो पकौड़े खाना चाहते हैं इस मौसम में।
तो थोड़ा बेसन और डाला, मेरे को बेसन कम लग रहा था। तो अभी हम इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं बैटर को ढककर। कितने आ सकते हैं? 10-15 आ सकते हैं आराम से। पंजाबी च कहंदे कपूर, पूर विच किन्ने आ जांदे? 15-20। 15-16 आ जांदे। तो ये पकौड़े तैयार हो रहे हैं। पकौड़े बहुत तरह से बन सकते हैं, सब्जियों के भी बनते हैं। सर्दियों में जो सब्जियां आती हैं, गोभी है, पालक है, मेथी है, हर तो तरह के पकौड़े बनते हैं। ये तो पककर तैयार है, पहले वाले सिग्गे और ये जो आपने आखिरी डाला है बराबर हो जाएगा? हाँ जी, बराबर हो जाएगा। बस इसको अब हम गैस तेज करके पलट लेंगे। पहले तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। हाँ जी, पहला तेल को गर्म कर लो अच्छी तरह से और फिर डालते जाओ और ब्राउन होने तक सेक लो। कौन सा ऑयल है ये? कोई भी ऑयल ले लो, सरसों का ले लो, पीली सरसों का ले लो। अभी मैंने जो लिया वो सोया बीन ऑयल है, रिफाइंड। और अब ये पकोड़े तैयार हैं और ये साथ में चाय भी आपने बनाई है जसप्रीत? हाँ जी, पकौड़े नाल चाय तो बनती है, फिर चाय तो बनूंगी। हमें तो सिर्फ पकौड़ों की चाय है, इसके साथ चाय मिल रही है, अच्छी बात है। आप अभी वेट करो, चाय और पकौड़े दोनों साथ साथ मिलेंगे। बैटर में क्या क्या डाला था एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? बैटर में मैंने एक छोटा प्याज काट के, बारीक काट के, थोड़ा धनिया पुदीना था और थोड़ी आलू पड़े हुए थे दो मेरे पास उबले हुए, वो मैश करके डाले। और बाकी नमक, लाल मिर्च, 3 हरी मिर्च काट के डाली मैंने, और नमक मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, बस। और बेसन चेक कर लो आप, मैंने बेसन के साथ 2 चम्मच राइस फ्लावर भी लिया है। और बेसन का बैटर आप चेक कर लो, अगर पतला हो गया तो थोड़ा सा बेसन, अभी ये मेरे को लग रहा है थोड़ा पतला हो गया है, तो मैं अभी अगली नेक्स्ट जो बनाऊंगी उसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड करूंगी, 1-2 चम्मच। ये मेरे पकौड़े तैयार हैं बनके। लो जी, पकौड़े तैयार हैं विद प्याज पुदीना चटनी और इमली की चटनी के साथ, और चाय भी साथ है। लो सब। थैंक यू जसप्रीत जी, थैंक यू वेरी मच, मेरा खाने का नंबर भी आया। चलिए देखते हैं कैसे बने हैं पकौड़े, और मैं समझता हूँ कि बड़े क्रिस्पी हैं, देखने में बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए थोड़ी थोड़ी आप सॉस दोनों ले सकते हैं और उसके साथ आप खा के देखिए। उद्घाटन ही मैं कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, बारिश का मौसम और उसमें ये पकौड़े अगर आपको खाने को मिल जाए तो समझिए वो भी पत्नी के हाथों से, और वो भी अपनी पत्नी के हाथों से खाने को मिले तो समझिए आप दोनों के आपस में खूब बनती है। थैंक यू। कंग दे रंग।